बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो डॉक्टर्स, अब आप अपने आप को डॉक्टर जी समझे जिनका एडमिशन FMU में हो चुका है या फिर किसी और मेडिकल कॉलेज में हो चुका है, क्योंकि अब आप इस फील्ड के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो FSC MDCAT दो मुश्किल इम्तिहान जिनसे आप गुजर गए हैं। इसका जो पैटर्न ऑफ स्टडी था वो MBBS से थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई भी स्टडी आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि साल के आखिर तक मैंने ये सिलेबस कवर कर लेना है और फिर मेरा इसका पेपर है, और पेपर का क्या पैटर्न है, क्या चीज़ है, और साल के अंदर मेरे किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह के मेरे स्टैंडअप्स आने हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट होती हैं। इसी तरह अब आप MBBS में हैं तो ये बिल्कुल एक नया स्टडी का वे है। इसमें आपको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए कि मेरे साल में किस तरह के पेपर्स होंगे और एट द एंड मेरा फाइनल पेपर किस तरह का होगा। तो इसलिए आपके लिए जो छपा ज़रूरी है वो ये है कि FMU के अंदर जो सिस्टम लास्ट ईयर से इम्प्लीमेंट किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी मेडिकल कॉलेजेस से। FMU के अंदर जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है वो है FMU इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर करिकुलम वाला सिस्टम, IMC भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें तीन चार लफ्ज़ है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। लास्ट ईयर जब हमारी दफ़ा इम्प्लीमेंट किया गया था तो मैंने खुद काफ़ी वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर देखी, लेकिन मुझे ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल सका, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट तरह का मॉड्यूलर सिस्टम चल रहा है। RMU की बात करें आप या किसी और जगह की बात करें, वहाँ पे डिफरेंट तरह के मॉड्यूलर सिस्टम चल रहे थे, लेकिन FMU का जो मॉड्यूलर सिस्टम है वो इनसे डिफरेंट है। इसलिए मुझे तो नहीं पता चल सका मॉड्यूलर सिस्टम, और मुझे पूरा साल लग गया इस चीज़ को समझते हुए कि मॉड्यूलर सिस्टम है किस तरह का। लेकिन आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको साल में मसला ना हो। तो अब हम देखते हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम को समझना है हमने। इस वीडियो के अंदर आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि मॉड्यूलर सिस्टम है क्या, आपका पेपर किस पैटर्न पे होगा, और साल का आपका पूरा अभी से डिफाइंड हो जाएगा आपको कि मैंने पढ़ना किस तरह है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम है क्या और इसकी डिटेल्स वगैरह हम सभी देखते हैं। तो जो क्वेश्चन बच्चों के जहन में होते हैं वो ये होते हैं, व्हाट इज़ मॉड्यूलर सिस्टम, इज़ इट न्यू, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट इज़ मेंट बाय इंटीग्रेटेड। तो ये तीन चार चीज़ें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। मॉड्यूलर सिस्टम क्या है? मॉड्यूलर सिस्टम ये है कि आपका जो सारे साल का सिलेबस है उसको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ सुपरफिशियल रह के आपको बताऊंगा कि ये मॉड्यूलर सिस्टम क्या है। आपके पूरे सिलेबस को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है। इज़ इट न्यू? नो, इट इज़ नॉट न्यू एट ऑल। ये बिल्कुल भी न्यू नहीं है, ये पहले से ही इम्प्लीमेंट है, और पाकिस्तान के बाहर तो ये काफ़ी देर से इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये न्यू सिस्टम है इसलिए इसे उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा जिस तरह इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक तो बेहतर है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? अच्छा, आपको पहले पता होगा कि ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वही जिसके अंदर डिफरेंट कॉलेजेस चल रहे हैं। UHS ने भी बल्कि तो जो है ना मॉड्यूलर सिस्टम कर दिया है, लेकिन कुछ कॉलेजेस वगैरह जो हैं उनके अंदर अभी भी ट्रेडिशनल सिस्टम है। उसमें वही SCQs और MCQ वाला जो पोर्शन है वो रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि एक स्टूडेंट को ना एक जो टॉपिक है उसकी सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। वट इज़ मेंट बाय इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड जो मैंने ऊपर बात की, कोऑर्डिनेट करके पढ़ाया जाता है, ये इसका मतलब भी वही है कि जो चीज़ आप एक सब्जेक्ट में एट अ टाइम पढ़ रहे हो वही चीज़ आप दूसरे सब्जेक्ट में भी उसी टाइम पे पढ़ रहे होते हो, जिसकी वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो उस टॉपिक की वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। एज़ कम्पेयर ये कि आप जब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप एक बुक से पहले वो सारा टॉपिक पढ़ लें, फिर आप उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें और दूसरी बुक में आपका वो प्रीवियस टॉपिक बाद में आए। तो इसके बेहतर यही है कि आप जब एक सेल आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सेल आपकी 9th में भी था, FSC में भी था, तो अगर आप एक सब्जेक्ट में सेल पढ़ रहे हों, सेल की बायोलॉजी आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप उसकी एनाटमी या बायोकेमिस्ट्री एट द सेम टाइम पढ़ रहे हों तो आपको सारा कुछ अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है कि ये मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन है वो ये होते हैं नॉर्मली। हाँ जी भाई, तो ब्लॉक सिस्टम, आपका जो पूरा साल है उसे डिवाइड कर दिया जाता है तीन ब्लॉक्स के अंदर। फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो उसको डिवाइड किया गया है तीन ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक ये है कि आपका सिलेबस का पोर्शन जो है ना उसको तीन ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है, और पूरे साल के अंदर आपके तीन ब्लॉक वाइज एग्ज़ाम होने हैं। नॉर्मली ये समझा जाता है कि ब्लॉक सिस्टम या मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर जो है ना सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, बल्कि ये पूरा एनुअल सिस्टम ही है। लेकिन ये है कि जैसे आप देखें, आपका एक ब्लॉक है ना, फॉर एग्जांपल तीन ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड देन ब्लॉक सी।
इसके अंदर क्या है कि आपका 3 महीने का, फ़र्ज़ करें आपका ब्लॉक ए है, आपको ब्लॉक ए पढ़ाया जाएगा, उसका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिर आपका ब्लॉक ए का एग्ज़ाम हो जाएगा, ब्लॉक ए का पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक ए ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गई प्रूफ तक के लिए, फिर आपका ब्लॉक बी पढ़ाया जाएगा एंड देन ऑनवर्ड्स ब्लॉक सी पढ़ाया जाएगा। फिर फाइनल जब आपके पेपर आएंगे ना, तो आपका जो पेपर है वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, आपका पेपर ब्लॉक वाइज होगा, यानी कि ब्लॉक ए का पेपर होगा, ब्लॉक ए में भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। यानी कि पहले तो इस तरह होता था ना कि एक दिन आता है, जैसे हम एफएससी में देके आते हैं, पहला पेपर बायोलॉजी का, दूसरा पेपर केमिस्ट्री का, तीसरा पेपर एंड सो ऑन। लेकिन ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, हर ब्लॉक के अंदर सारे सब्जेक्ट थोड़े 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 इंक्लूड होते हैं, और जब आपका पेपर आता है तो वो आपने ब्लॉक ए के पेपर में सारे सब्जेक्ट्स का पेपर देना है, फिर ब्लॉक बी में जितने इंक्लूड हैं उनका पेपर देना है, और ब्लॉक सी में भी आपने जो जो सब्जेक्ट जितना जितना इंक्लूड है आपने उसका पेपर देना है। ये बात आपको आगे जाके और क्लियर होगी जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा। मोड ऑफ़ एग्ज़ाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोड ऑफ़ एग्ज़ाम इन FMU सिर्फ और सिर्फ अभी जो मॉड्यूलर सिस्टम लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बस कोई ऐसी क्यों नहीं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, कोई थियरी नहीं आपने लिखनी होती अपने एनुअल पेपर में भी और आपके जो ब्लॉक सिस्टम होते हैं उनमें भी। सिर्फ आपके 120 MCQs होंगे जो आपने सोल्व करने होंगे, और क्लिनिकल सिनेरियोज़ होंगे, ये चीज़ें बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सुपरफिशियल रह के एग्जामिनेशन सिस्टम को आप समझें, ठीक है। सो व्हाट वी स्टडी, ब्लॉक से तो हमने बात करी थी, लेकिन अब ब्लॉक में हम क्या क्या रीड करते हैं, ब्लॉक में हम क्या स्टडी करते हैं। तो जो ब्लॉक ए मैंने आपको बताया, ब्लॉक ए में हम पढ़ते हैं फाउंडेशन एंड ब्लड, जो आपका पूरा साल है ना उसको अब डिवाइड कर दिया गया है 3 पोर्शन में। अब आप जाएंगे कॉलेजेस में, जब आप कॉलेज में जाएंगे अपने, तो आपको जो स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ाया जाएगा वो आपका जो ब्लॉक है ना उसमें 2 मॉड्यूल है, फाउंडेशन एंड ब्लड। ब्लॉक ए आपका पूरे का पूरा किन चीज़ों पर कंप्राइज कर रहा है, इसमें 2 मॉड्यूल हैं, फाउंडेशन एंड ब्लड। ब्लॉक बी के अंदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ाया जाता है, एंड ब्लॉक सी के अंदर आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको कि फॉर एग्जांपल ब्लॉक ए की मैंने बात की कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन एंड ब्लड। अब ब्लड की एग्जांपल अगर मैं लूँ, जो ब्लड है ना आपको फिजियोलॉजी के अंदर भी ब्लड पढ़ाया जाएगा, ब्लड किस तरह का है, ब्लड में सेल्स कौन कौन से हैं, और ब्लड में सारी की सारी चीज़ें किस तरह की हैं, ठीक है, ये आपको उसकी फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको ब्लड की बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ब्लड के अंदर बफर क्या क्या, यानी कि ब्लड का बफर कौन सा है, हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर है, बायोकेमिकली आपने उस चीज़ों को डील करना है, और एनाटॉमी में जनरल एनाटॉमी इंक्लूड होती है, उसमें भी आप यही देखते हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सिर्फ आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, इनकी क्या कंपोजिशन क्या है, वॉल्स किस तरह की हैं। तो 3 सब्जेक्ट के अंदर अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम है तो इसके कुछ माइनर सब्जेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप ब्लड ही पढ़ रहे होगे। ये मॉड्यूलर सिस्टम का जो है ना एक प्लस पॉइंट है कि आप सारे सब्जेक्ट में ब्लड पढ़ रहे होगे, अगर आपकी कोई चीज़ एक सब्जेक्ट से रह जाती है तो वो दूसरे सब्जेक्ट से कवर हो जाती है। इसी तरह ब्लॉक बी में भी मस्कुलोस्केलेटल है, आपने ग्रोस एनाटॉमी में भी वही पढ़ना है, आपने फिजियोलॉजी में भी मसल की फिजियोलॉजी पढ़नी है, और बायोकेमिस्ट्री में भी आपने देखना है मसल के अंदर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, फिर आपने कोलेजन, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। एंड ब्लॉक सी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, एनाटॉमी भी आप हार्ट की पढ़ रहे होंगे, फिजियोलॉजी भी आप हार्ट की पढ़ रहे होंगे, बायोकेमिस्ट्री भी आप हार्ट की पढ़ रहे होंगे, और जो साथ ही आपका है माइनर सब्जेक्ट उनमें भी आप ये हार्ट को ही लेके चल रहे होंगे। तो इस तरह एक बच्चे को ना एक टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाता है जब तक वो इस पर पूरा टाइम लगाएगा, लेकिन अगर वो अपना टाइम ज़ाया करेगा और सिर्फ इसे सुपरफिशियल रह के पढ़ेगा उसे इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ब्लॉक सिस्टम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड हैं हमारे पास, तो जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हैं मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर वो हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, एक मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट हैं। मेजर सब्जेक्ट में क्या आ जाते हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, ये आपके मेजर हैं। नॉर्मली यही पढ़ाए जाते थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम जब आया तो उन्होंने कहा कि थोड़े से सब्जेक्ट बच्चों को और भी इन टच रखते हैं उनके साथ, मेजर तो यही होंगे, आपके पेपर का एक मेजर पोर्शन ये बना रहे होंगे, लेकिन जो माइनर है उसमें प्राइम आ जाता है, बिहेवियरल साइंसिस, पैथोलॉजी आ जाती है, फॉरेंसिक मेडिसिन आती है, कम्युनिटी मेडिसिन आती है, फार्माकोलॉजी आती है। ये जो माइनर्स के मैंने नाम लिए हैं नॉर्मली फर्स्ट ईयर के बच्चे को नहीं पता होता था आज से पहले, यानी कि मॉड्यूलर सिस्टम के आने से पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इन टच कर दिया जाता है बच्चे को, ड्रग्स का पता चल जाता है, फार्माकोलॉजी में एक आधा MCQ हर एक पूरे के पूरे ब्लॉक का। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक डिफाइंड सिलेबस है, उसके अंदर आपका एक टॉस है कि इतने सब्जेक्ट MCQs इस सब्जेक्ट से आने होते हैं। तो ये माइनर है, माइनर बहुत कम है,
लेकिन कुछ ब्लॉक के अंदर, कुछ ब्लॉक्स जो हैं उनमें माइनर का भी एक मेजर पोर्शन आ जाता है, यानी कि 20 MCQ फॉर एग्जांपल ब्लॉक ए में माइनर्स के ही हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माइनर्स के साथ भी आप साल में इन टच रहें। इनको कोई पढ़ने के लिए आपको बुक वगैरह की इतनी ज़रूरत इंटेंस नहीं पड़ती, आप इसे स्लाइड से भी पढ़ें टीचर की तो अच्छा रह जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता। लास्टली वी हैव बेसिक ब्लॉक वाइज MCQ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हर ब्लॉक की MCQ की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। इस चार्ट को आप देख के अपनी तैयारी करते हो ब्लॉक बी की, ब्लॉक किसी भी ब्लॉक की। जैसे आप यहाँ पे देखना चाहो तो मेजर कंट्रीब्यूशन आपको पता चलती है। जैसे मैं बात करूँ ब्लॉक बी की, तो उसमें 71 MCQ ही ग्रॉस एनाटॉमी के हैं, आउट ऑफ 120 71 MCQs आर ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ग्रॉस एनाटॉमी यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन रख रही है। तो इस तरह ब्लॉक बी और ब्लॉक ए और ब्लॉक सी आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे आप बात करें तो कम्युनिटी मेडिसिन है, ब्लॉक ए में इसके 3 MCQ हैं और पैथोलॉजी के 6 MCQ हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर मैं माइनर पे तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने पहले पैथोलॉजी पढ़नी है, ताकि मैं 6 MCQ तो अपने वहाँ से क्लियर करूँ एंड देन मैं कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ आऊँ। और फॉरेंसिक है, जैसे इसका सिर्फ 1 MCQ है, तो अगर आप इसको पहले काफ़ी टाइम दे देंगे और क्या आपका प्राइम रह जाए या फिर आपकी पैथोलॉजी रह जाए तो ये मसला होगा। इस तरह आपने इसको देख के तैयारी करनी है। एंड लास्टली वी हैव एन इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइस, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, कि बेशक हमने आपको रोशन फतह नसीब फरमाई है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आप कितना मुश्किल पेपर दे के यहाँ पे आए हैं, MBBS में आपका एडमिशन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि आप यहाँ पे किन दुआओं और किन मेहनतों के नतीजे में आए हैं। यहाँ पर आके आपने अपनी उन सारी की सारी एफ़र्ट्स को जारी रखना है और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। अगर आपको और कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं।